ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो गाइस, आज थी जुमेरात तो मैं चली गई आज हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे। बहुत दिन हो गए तो सोचा थोड़ा सा सुकून हासिल किया जाए, और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है गाइस यहाँ पर आके। तो ये देखिए गाइस, ये है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, जहाँ पर सबसे पहले सलाम पेश किया जाता है बाबा अमीर खुसरो को। तो बाबा अमीर खुसरो जो थे वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद थे, तो वहाँ सलाम पहले पेश किया जाता है, उसके बाद फिर जाया जाता है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह पे। तो हमने वहाँ पर सलाम पेश किया, मैंने वहाँ पर दुआ की और साथ में कुछ तस्बीहात पढ़ी। उसके बाद हम चल दिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की तरफ। ये देखिए गाइस, माशा अल्लाह कितना प्यारा मंज़र है वहाँ का। और गाइस, जुमेरात को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत ही फेमस प्लेस है। और देखिए गाइस, ये क्यूट सी कैट वहाँ पर हमें दिखी, और गाइस वहाँ पर बिल्लियाँ बहुत सारी होती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है इन मासूमों को भी देख कर कि ये भी वहाँ पर बहुत अच्छी हालत में होते हैं, इन्हें भी अच्छे से खाना मिल जाता है। तो हम फाइनली वहाँ अंदर पहुँचे, और बहुत ही खुशनसीबी की बात थी कि जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ ऑलमोस्ट मगरिब का वक्त होने वाला था, मतलब वहाँ मगरिब से पहले दुआ होती है, तो वहाँ पर दुआ होने लगी थी। दुआ करने के बाद फिर हम चले गए मस्जिद में सीधा, और मस्जिद में हमने वहाँ पर जिक्र किया, जिक्र अल्लाह का। और वहाँ जिक्र करके मस्जिद में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और इतने में हो गई थी मगरिब की अज़ान, हमने नमाज़ पढ़ी और फिर हम जो दरगाह थी, दरगाह के पास हम वहाँ पर बैठ के यासीन शरीफ पढ़ने लगे। इतने में गाइस, ये इतना क्यूट सा बच्चा एक और बिल्ली का, वो अलीज़ा के पास आकर लेट गया, जैसे कि वो पता नहीं कितने अच्छे से जानता हो। और वहाँ पर अलीज़ा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, उसने भी यासीन शरीफ पढ़ी और इतने उस बच्चे को प्यार करती रही। फाइनली हमने अपनी जो भी हमें वहाँ पढ़ना था हमने किया, हमने दुआ की वहाँ पर बहुत अच्छे से, और फिर बच गए थे ऑलमोस्ट 7। तो हमने फैसला किया कि चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि घर जाने में भी टाइम लग जाएगा। तो हम घर की तरफ मुड़ लिए, और उस वक्त का नज़ारा गाइस बहुत ही खूबसूरत होता है रात का। आप देख सकते हैं जैसे कि चारों तरफ लाइटनिंग की गई थी दरगाह में, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और कव्वाली शुरू हो चुकी थी, बट क्योंकि हमें लेट हो जाता है इसलिए हम वहाँ नहीं रुक पाए कव्वाली के लिए, और हमने सलाम पेश किया अपना और हम चल दिए घर की तरफ। तो ये देख सकते हैं गाइस आप, वहाँ पर क्या रौनक थी। और ये देखिए, जब हमने यहाँ मुड़कर पीछे से ये नज़ारा, मैंने कहा अलीज़ा से कि अलीज़ा ये ज़रूर लेना, देखिए रात में इतनी खूबसूरत लगता है ये गुमत के, कितनी अच्छे तरीके से लाइटनिंग की गई है, तो ये देख कर ही ना दिल को बहुत सुकून मिलता है। फिर हम फाइनली बाहर निकल के चल दे, जिस तरफ से हम जाते हैं वहाँ पर जब हम जा रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी देगें रखी हुई थी बिरयानी की, और वहाँ पर तकसीम किया जाना था। मेरा भी मन हुआ लेने का, बट वहाँ में बहुत लेट हो जाता है इसलिए हम वहाँ से चल दिए तबर्रुक को बिना लिए ही। फिर हम जैसे ही जा रहे थे तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं, आपको रास्ते में बाहर निकलते वक्त बहुत सारी इस तरीके की फ़ूड स्टॉल्स मिलेंगे, शॉप्स में रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, जहाँ पर आप टिक्का कबाब बिरयानी नली नारे और कुछ भी ले सकते हैं। तो बस आज का तो हमारा दिन बहुत ही ज़बरदस्त रहा, एक बार प्यार से आप भी सलाम पेश कर दीजिएगा कमेंट में।